ट्रोजन वॉर की कहानी हम सब ने स्कूल में कभी ना कभी पढ़ी है। तो आज का हमारा वीडियो उन्हीं कुछ कहानियों के बारे में है और कैसे ये दिलचस्प कहानियाँ हमें लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती हैं। ट्रोजन वॉर एक बहुत पॉपुलर ग्रीक माइथोलॉजिकल कहानी है। एक महायुद्ध जो 10 साल चला, 2 लाख से ज़्यादा लोग लड़े। ये वॉर इतना इम्पोर्टेंट था कि गॉड्स खुद किसी न किसी साइड को सपोर्ट कर रहे थे और कभी कभी तो अपनी साइड के एडवांटेज के लिए योद्धाओं को विशेष शक्ति भी दे देते और कभी कभी शत्रुओं का रहस्य भी बता देते। जैसे हमारे लिए महाभारत है, वैसे ही ग्रीक्स के लिए ट्रोजन वॉर है। और ये पूरी कहानी शुरू होती है पीलियस और थेटिस की शादी में, जहाँ सारे देवी देवताओं को निमंत्रण होता है सिवाय एरिस, कलह की देवी। लेकिन वो फिर भी शादी में आती है और जिसके डर से उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था वो करके चली जाती है। कलह और लड़ाई। तो एरिस एक सोने का एप्पल शादी में छोड़ आती है जिसपे लिखा होता है सबसे खूबसूरत के लिए। अब इस एप्पल को देख 3 देवियाँ, हेरा जो कि शादी की देवी है, एथेना जो कि ज्ञान की देवी है और एफ्रोडाइटी जो प्यार की देवी है, आपस में लड़ने लग जाते हैं। इस दुविधा का हल निकालने के लिए तीनों आते हैं ज्यूस के पास, जो सारे भगवानों के राजा हैं, सबसे बड़े और शक्तिशाली भगवान भी। तो वो बोलते हैं कि इसका सही जजमेंट करेगा एक मनुष्य, ट्रॉय राज्य का राजकुमार जिसका नाम है पेरिस। तीनों पेरिस के पास जाते हैं और हर एक देवी पेरिस को लालच देती है खुद का चुनाव करने के लिए। हेरा उसे सबसे अमीर और शक्तिशाली देश का राजा बनाने का वादा करती है, एथेना उसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाने का, और एफ्रोडाइटी उसे दुनिया की सबसे सुंदर औरत का प्यार का लालच देती है। पेरिस एक 20 साल का युवराज था तो वो एफ्रोडाइटी के प्रस्ताव से खुश होकर उन्हें तुरंत गोल्डन एप्पल दे देता है। तो उस समय सबसे सुंदर औरत थी हेलेन ऑफ स्पार्टा, जो पहले से शादीशुदा थी। लेकिन एफ्रोडाइटी की मदद से हेलेन पेरिस के साथ ट्रॉय आ जाती है, जहाँ से ट्रोजन वॉर की शुरुआत होती है और प्रोफेसी के हिसाब से ट्रॉय का नाश भी। तो अब इसमें हम क्या सीखते हैं? जब पावरफुल लोगों की लड़ाई हो, जहाँ तक हो सके उसमें मत पड़ो। अगर वो आपके पास आए तो भी, अगर आपको आंसर पता है तो भी, अगर आप सबसे पावरफुल गॉड हैं तो भी। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे जाते हैं। हेलेन का स्वयंवर। स्वयंवर के लिए बहुत राज्यों से राजकुमार आए थे, पर उनमें से सबसे एलिजिबल था ओडिसिस। पर हेलेन के पिता को एक बात की चिंता सता रही थी, जितने भी राजकुमार आए थे उनमें से कुछ बहुत बड़े बड़े राज्य के योद्धा थे। तो हेलेन जिसको भी चुनेगी बाकियों को निराशा ही होगी और शायद इस वजह से वहाँ खून खराबा होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ओडिसिस जो एक महान वॉरियर ही नहीं बल्कि अत्यंत होशियार भी थे, तो उन्हें आशंका थी कि हेलेन उन्हीं को चुनेगी। इसलिए वो टिंड्रेस के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम सारे राजकुमारों से वचन लेंगे कि जिसको भी हेलेन चुनेगी उस राजकुमार को किसी भी युद्ध की स्थिति में बाकी सारे राजकुमारों का सहयोग होगा। जब महाराज ने ये प्रस्ताव सभी के समक्ष रखा तो सब राजी हो गए और इसे ओथ ऑफ टिंड्रेस भी कहा जाता है। और फाइनली जब समय आया तो हेलेन ने चूज किया मेनेलॉस को, एक्साइल प्रिंस ऑफ माइसिन। तो अब इससे हम क्या सीखते हैं? हमेशा आगे का प्लान करके रखो, ओडिसिस की तरह। अगर कुछ बुरा हुआ तो आप रेडी हैं, अगर कुछ नहीं हुआ वेल तो भी आप रेडी हैं। तो अब वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। हेलेन की शादी मेनेलॉस से हो गई है और उनकी एक 9 साल की बेटी भी है। गॉडेस एफ्रोडाइटी की मदद से पेरिस हेलेन को ट्रॉय लेके आते हैं। जैसे ही मेनेलॉस को ये पता चलता है वो ओथ ऑफ टिंड्रेस इन्वोक करते हैं ताकि सारे राजकुमार जिनमें से कई अब राजा बन गए हैं उसकी मदद करें ट्रॉय से लड़ाई करने में और रानी हेलेन को वापस लाने में। अब तक ओडिसिस की भी शादी हो गई थी और उनके बच्चे थे तो वो अपनी लाइफ में काफी खुश थे, उन्हें इस युद्ध में नहीं आना था। तो जब मेनेलॉस के मैसेंजर वहां आए तो ओडिसिस ने पागल बनने का नाटक किया और अपने गार्डन में जाके हल चलाने लगे। जब मैसेंजर्स ने ये देखा तो उन्होंने ओडिसिस के बच्चों को हल के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही ये हुआ ओडिसिस ने हल चलाना बंद कर दिया। तो मैसेंजर्स ने कहा अगर वो इतने पागल नहीं है कि खुद के बच्चों पे हल चलाएं तो वो हमारे साथ युद्ध में तो चल ही सकते हैं। तो ऐसे ओडिसिस को भी ट्रोजन वॉर का हिस्सा बनना पड़ा। अब इससे हम क्या सीखे? इसमें कोई खास लेसन नहीं है, बस कहानी आगे बढ़ाना है। इसका लेसन यही है कि अपनी जिंदगी में हर चीज में लेसन मत ढूंढो, आप इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं हो।
जैसे मेरी मैनेजर कहती है, शिट हैपेंस, फ्लश इट ऑफ। अब वॉर के लिए सब तैयार हैं। स्पार्टा और उनके सारे सपोर्टिंग किंगडम्स की आर्मी पहुंच जाती है ट्रॉय के पास, और दूसरी साइड है पेरिस और उसका भाई हेक्टर, जो एक महावीर योद्धा है जिसको सिर्फ अकिलीस हरा सकता है। हेक्टर ने शपथ लिया था कि जो आदमी सबसे पहले ट्रॉय में अपने पैर रखेगा उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि हेक्टर उसे सबसे पहले मारेगा। जब सारे शिप्स ट्रॉय के तट पे आते हैं तो कोई भी शिप से नीचे नहीं उतरता है बहुत दिनों तक, और लोग भूख और ठंड से मरने लगते हैं। तो फाइनली एक योद्धा प्रोटिसिलियस अपनी जान की परवाह न करे ट्रॉय की जमीन में कदम रखता है, और वही सबसे पहले मारा भी जाता है। तो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं? जब प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो उसे दूसरे एंगल में देखो, कहीं से कुछ भी आइडिया निकल सकता है कि नहीं। ये ट्रॉय के लिए एक छोटी ही सही पर जीत थी, बिना तलवार उठाए कई लोग ऑलरेडी मर गए थे। एक और मज़ेदार की बात ये है कि ट्रोजन युद्ध के कुछ वर्जन ये भी कहते हैं कि ओडिसिस पहला बंदा है जो किनारे पे उतरा था, और उसके बाद उतरा था प्रोटिसिलियस, पर ओडिसिस अपने शील्ड के ऊपर खड़ा था। तो हेक्टर की शपथ के हिसाब से प्रोटिसिलियस का पैर पहले ट्रॉय को टच करता है। ओडिसिस मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है इस कहानी में। उसे डिस्क्राइब करते हुए कई ऑथर्स मेटिस भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वाइज या कनिंग, शातिर। और ऐसे युद्ध शुरू होता है और 10 साल तक चलता रहता है, कभी ट्रॉय की स्थिति मजबूत तो कभी ग्रीक्स की, पर ये सब खत्म होने की कगार में था जैसे ही ग्रीक्स का वीर योद्धा अकिलेस ट्रॉय के योद्धा हेक्टर को मार देता है, और फिर अकिलेस को पेरिस उसके पैर में एरो मार के ख़त्म कर देता है, और किसी और के एरो से पेरिस भी मारा जाता है। हाँ, तो अब आप बोलेंगे कि अकिलेस तो इतना बड़ा योद्धा था, ऐसे कैसे पेरिस ने उसे मार दिया? तो इसकी बैक स्टोरी ये है कि अकिलेस को बचपन में उसकी माँ एक जादुई नदी में लेके जाती है, जिसमें नहाने से सारा शरीर शक्तिशाली हो जाता है। तो अकिलेस की माँ उसे पैर से पकड़ के बाकी सारे शरीर को नदी में डुबा देती है। इस वजह से अकिलेस पूरा शक्तिशाली बन जाता है बस अपने पैरों को छोड़ के, और यही उसकी मौत का कारण भी होता है। इसीलिए जब किसी सिस्टम या प्रोसेस में वीकनेस होती है तो उसे अकिलेस हील भी बोलते हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? याद रखिए कि स्ट्रेंथ्स इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको लाइफ में ऊपर लेके जाते हैं, पर वीकनेस ही है जो आपको नीचे धकेल देते हैं। तो बस स्ट्रेंथ पे ही नहीं बल्कि अपने वीकनेस पे भी हमेशा काम करो। और फाइनली इतने खून खराबे होने के बाद भी ग्रीक्स ट्रॉय के मेन सिटी में एंटर नहीं कर पाए, तो इसके लिए वो एक आइडिया सोचते हैं। वो एक बड़ा वुडन हाउस बनाते हैं और उसमें कुछ सोल्जर्स छुपे रहते हैं। अपने गेट के बाहर एक अनोखा वुडन हॉर्स को देखकर ट्रोजन वाले खुश हो जाते हैं। उनकी पुराणों में हॉर्सेस को बहुत पायस माना जाता था, और उन्हें लगता है कि ये गॉड का कोई गिफ्ट है, और किसी भी ग्रीक को उस घोड़े के आसपास न देखकर वो अपने शहर के द्वार खोल देते हैं उस घोड़े को अंदर लाने के लिए। रात को उस घोड़े से निकल के सैनिक बाहर आते हैं और शहर के गेट्स ओपन कर देते हैं, जिससे बाकी सारे ग्रीक सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं, और जो बचे कुचे ट्रोजन वॉरियर्स थे उनको भी मार देते हैं, और ऐसे समाप्त होता है द ट्रोजन वॉर। क्या आप बता सकते हैं कि ये ट्रोजन हॉर्स का आइडिया किसका है? हाँ, ओडिसिस का। तो हम क्या सीखते हैं यहाँ? अगर कभी आपको कोई ऑफर मिले कुछ फ्री स्टफ का, या मेल्स आते हैं आप लॉटरी जीत गए, अगर कोई ऑफर अनबिलीवेबल है तो शायद उसे बिलीव करना ही नहीं चाहिए, वो एक ट्रोजन हॉर्स की तरह ही है।